सब खेल खत्म। एक भी कदम आगे सरक नहीं पाता ये शरीर, जब इसमें कोई यंत्र खराब हो जाए। इसीलिए यंत्रों में प्रॉब्लम आने लग जाए उससे पहले पहले भक्ति कर लो। यंत्र प्रॉब्लम में आ जाए शरीर के, फिर भक्ति नहीं होती और फिर तीर्थ भी नहीं होता। देखिए, कई लोग आए तो हैं अयोध्या में आप लोग, पर कई लोग आकर के डर रहे, अंदर से डर बैठा है। और वो डर किस बात का है? कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। क्यों? यंत्र प्रणाली कमजोर पड़ गई है तो भयभीत हो जाता है व्यक्ति। डॉक्टर सलाह देते हैं कि घरे ही रहो, कहीं मत जाओ, मत चढ़ो, मत उतरो। डॉक्टर की बात भी मानो, पर दूसरी बात इसमें यह है, दूसरा पहलू, जो होगा सो होगा, मरने से आगे क्या गैल है, ऐसा मानकर परमार्थ में खूब चढ़ो, खूब उतरो, खूब डोलो, खूब नाचो, खुद कूओ, जो होना है वो होना है। इस मामले में हमारे चेला प्रभाकर कोठावदे जो है, ऐसा ही बुद्धि वाला आदमी, ऐसे मन का आदमी है। पूरे घर के लोग चिंता में डूबे रहते हैं, पर हमारे प्रभाकर कोठावदे जी उसी बात को मानते हैं कि मरने से आगे और कुछ रास्ता नहीं है। इसीलिए चलो फिरो, घूमो, खाओ, पियो, मौज लो। यदन्त्वां तद्दर्शनं प्रबध्ये युक्त पावनम्। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कहा, राजन, अरे ऋषियों, आज पार्वती माता ने भगवान शिव की वाणी को ऐसे धारण कर लिया, आचरण में ले आई, तो उस आचरण की वजह से क्या हुआ कि पार्वती ध्यान में चली गई। पार्वती ध्यान में चली गई। अन्यान्यौर्देहितं सर्वः। पार्वती जब ध्यान में चली गई तो शंकर भगवान को लगा कि अब कथा सुनाना व्यर्थ है, पार्वती तो भजन में चली गई, तो शंकर भगवान भी चले गए कैलाश। पार्वती उपासना कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं। 8 दिन बीते, शंकर लौटे, पार्वती ध्यान में ही है। फिर गए, फिर लौटे, फिर ध्यान में ही है। फिर गए, फिर आए, फिर ध्यान में ही है। कैलाश के सेवकों से भगवान ने, शंकर ने पूछा कि पार्वती निरंतर इसी तरह हैं कि कुछ परिवर्तन है? तो सबने कहा, महाराज, जगत माता जैसे बैठी हैं वैसे ही बैठी हैं। तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, पार्वती आचरणवान हो गई और भगवान की भक्ति, श्री राम की भक्ति में लीन हो गई। यह सोच के स्वयं भगवान शिव शंकर भी ध्यान में चले गए। पंच सहस्रान वर्ष युक्तां भवानी शंकरौ वंदे, अत्रं पश्यं तदा मूलं देहतं देहकं देवता सरो। मेरे महादेव 5000 वर्ष के बाद में लौटे महाराज, ऐसे ध्यान में चले गए स्वयं भी। कभी कभी आपने देखा होगा, आपके जीवन में घटना घटी होगी, मेरे जीवन में भी एक आध बार घट गई है। कभी कभी हमें क्या होता है, हमें जाना होता है, सवेरे 3 बजे निकलना है, 1100 किलोमीटर सफर करना है, तो उस चिंता में क्या होता है, 1:30 बजे आँख खुल जाती है। और 1:30 बजे आँख खुली तो मन तो मन है ही, मन ने कहा कि अरे यार 3 बजे जानो, नहीं तो 1:30 बजे, अभी तो बहुत टाइम है, आधा घंटा और सो ले। तो मन की बात सुन के दोबारा पसर गए बिस्तर पे, तो 4:30 बजे खुली फिर आँख। तब तक पू 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 करके ट्रेन अपने घर पहुंच गई। ऐसा महादेव के साथ हुआ। महादेव ने सोचा कि 1-2 महीना के बाद में जाएंगे, भैया हम भी ध्यान कर लें, फालतू बैठे भटके भटके कब तक इंतजार करेंगे पार्वती का। तो भगवान शंकर 1-2 महीने का सोच के ध्यान में गए, 5000 वर्ष तक ध्यान से वापस लौट के
नहीं आए। यस्यान प्रवद्यते स्त्रीं तं पुण्यं पार्वती सखी। उस समय भगवान की पत्नी भवानी शंकर पार्वती भी 5000 वर्ष तक निरंतर ध्यान में ही बैठी रही। इतना लंबा समय ध्यान दोनों देवी देवता कर रहे हैं। उसके पश्चात अचानक भगवान शंकर का ध्यान खुला और जब उन्होंने अवस्था को देखा तो शंकर भगवान की जटाएं जो हैं इतनी विशाल हो गईं। उन जटाओं से शंकर को अंदाजा लगा कि 5-10 हजार वर्ष तो निकल गए, धोखा हो गया। पार्वती है भी कि नहीं है दुनिया में क्या पता। दौड़कर शंकर भगवान पहुंचे कैलाश पर, पार्वती जी को देखा। पार्वती जी को देखा तो चकबक हो गए, आंखें बंद हो गई पार्वती को देख के शंकर भगवान की। नागेश्वर दुबे जी कथा सुन रहे हो आप पहली बार इस कथा को? ये कथा कह रही है कि पार्वती के तेज को देखकर शंकर भगवान के तीनों नेत्र बंद हो गए। इतना तेज पार्वती में छा गया साधना से, उपस्या से, भजन से। यावतम अयान दर्शिताम युक्ताम। इसीलिए सब बहनों, माताओं, मेरी शिष्याओं, मैं सबसे ये कह रहा हूं, जब भी घर में रहो तो उपासना में रहो, तेज पैदा करो शरीर में, क्योंकि यही तुम्हारा साथी है। बाकी साथी सब आडंबर के हैं, हैं? एकाध पति का तो बिक नहीं सकता, पर ज्यादातर पति कैसे होते हैं, पत्नी को मलेरिया हो जाए तो बिस्तर पे नहीं बैठे, फिर कुर्सी लावे खींच के और फिर कुर्सी पे बैठे बगल में आके। जिस बेड पर रोज सोता था उस बेड पे अब वो बैठता और सोता दोनों ही बंद है। बीवी को मलेरिया घोषित हो गया है रिपोर्ट में। अच्छा, मलेरिया कौन सा छुआ छूत का रोग है, सो इतना घबरा गया है। पर मैंने कहा ना, ये सब आडंबर के साथी हैं, आप आडंबर कर लो। वही हाल बच्चों का है, है? मलेरिया में सिर बहुत दुखता है, ठंड से बुखार आता है, रोज गोली खा लो तब भी आता बुखार, 5-7 दिन घोट के धर देता है। बस मलेरिया का ही बताया है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको देखकर आदमी धीरे धीरे दूरी बना लेता है। पार्वती का तेज इतना भयंकर हो गया, शंकर बहुत चक्के रह गए और शंकर भगवान की नेत्र बंद हो गए। और नेत्र बंद हो गए तो भगवान के शरीर में रोमांच पैदा हो गया, आंखें बंद करके पार्वती के बारे में सोचने लगे। तो कहते हैं शंकर भगवान के शरीर में काम देवता प्रवेश हो गया, काम पैदा हो गया, मन में पार्वती को भोगने का मन पैदा हो गया अंदर ही अंदर। आंखें बंद हैं और वो विचार आ रहे हैं और कामदेव जो है उत्तेजक हो रहा है, उत्तेजना बढ़ रही है, और इतनी उत्तेजना बढ़ी कि शंकर भगवान ने पार्वती को छेड़ दिया, हाथ लगाया टटोला, पार्वती के ऊपर असर नहीं हो रहा है। शंकर भगवान के शरीर से वीर के कण निकल गए, शरीर से तेज स्खलित हो गया, शरीर में दोष पैदा हुआ तो शंकर भगवान को दोष निवृत्त हो गया। शरीर से जब तेज निकला तो धरती आदि पर गिरा और वायु समुद्र आकाश में घूमते हुए वो तेज जाकर जहन्नुम में चला गया और वहां उसने एक बालक के रूप में जन्म ले लिया। और जब उस बालक का पालन पोषण नाचने गाने वाली कृतकियों ने किया, जो अपने गर्भ से बच्चा पैदा कभी नहीं करती, उन महिलाओं ने जब उसका पालन पोषण किया, वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शंकर भगवान पुनः ध्यान में चले गए और कुछ दिनों के बाद जब लौटे तो शंकर भगवान ने फिर पार्वती को सोचा कि अब ग्रस्त कर लो पार्वती, तुम उस योग्य हो गई हो, तुम्हारे शरीर में तेज बढ़ गया है, अब तुम पुत्र दान करो मुझे जिससे सृष्टि का कल्याण हो। इसलिए मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहूंगा, अगर कोई स्त्री बीमार हो तो उसे गर्भ धारण कभी नहीं करना चाहिए, अस्थमा वाली औरत को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए।
थायराइड हो गया है, शुगर हो गया है, वो गर्भ धारण मत करो। पर बीमारी बीमारी है कि पति को बेटा चाहिए, सास को पोता चाहिए, चाहे वो हजार बीमारी से भर के आए बाहर, जब 100 बीमारी बालक में पैदा होंगी तो क्या करोगे पैदा करके उसको। बालक पैदा करने के लिए शास्त्र यही कहता है कि जब तक तेज ना हो स्त्री में और पुरुष में, तब तक बालक में तेज आएगा नहीं, बल आएगा नहीं, योग आएगा नहीं, निरोगी पैदा नहीं होगा। 99+ बच्चे निरोगी पैदा नहीं हो रहे, अब सब बच्चे रोगी पैदा हो रहे हैं। माता आप किसी भी बच्चे को हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे, घर लाएंगे, तो आपको दवा साथ में लानी पड़ेगी, लिख लो। अच्छा बोलो, बच्चा पैदा हुआ उसमें दवा की क्या जरूरत है? 84 लाख योनियों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, माताएं बहनें भी पहले करती आ रही हैं, पर अब दवा खाने में होता है तो दवा खाना ही पड़ेगा। जन्म से दवा साथी हो गई है शरीर की, तो ये शरीर कैसे बलवान, कैसे ज्ञानवान, कैसे बलवान, कैसे विद्वान और कैसे चरित्रवान। जन्म से साथी कौन है? दवा। और जन्म का साथी है परमात्मा, पर हम उस पर कहां भरोसा करते हैं? हम तो दवाइयों पर भरोसा करते हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि दवा मत खाओ, विशेष बीमारी विपत्ति आने पर ही दवा का उपयोग करो। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं इसमें, थोड़ा सा भी दर्द सा हुआ ना, थड़क से गोली खाएंगे, तो कहीं भी कुछ हो जाए बस गोली बिल्कुल तैयार रखते। पहले प्रयत्न करो कि रोग को दबाया जाए अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, और उससे लड़ा जाए थोड़ी देर। लड़ाई में जब तुम पराजित होने लगो तब दबा लो। तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं जा रहा, सिर का दर्द बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा, बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा, उल्टियां करके देख ली, पानी गर्म करके देख लिया, नहीं जा रहा है, नाक में तेल डाल के देख लिया, माथे पे तेल रगड़ के देख लिया, नहीं जा रहा है, तब दवा खा लो। पर हर छोटी बात पे दवा खा लो तो पूरा शरीर ही मेडिकल स्टोर हो जाएगा, नई नई प्रकार की दवा शरीर में जा रही है। और जितनी बार भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे मेरे अलावा, वो हर बार नई दवा लिखेगा कुछ न कुछ। एक दवा बढ़ाता है, एक घटाता है, पीली वाली कम कर दी, लाल वाली शुरू कर दी, लंबी वाली घटा दी, गोल वाली शुरू कर दी, चालू रखता। और हम क्या कहते हैं? दवाई औषधि सब खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, और अपने आप को प्राकृतिक करो। दवाइयां जिन चीजों से बनती हैं, अंग्रेजी दवाइयों के बारे में तो हर जो आदमी जानता है, 80% दवा नॉन वेज ही है, 20% दवा ऐसी है जो वेजिटेरियन होती है। अंग्रेजी दवा बनती केमिकल से है, पशु पक्षी जानवर सांप बिच्छू मछली, ये किसी को बक्सा नहीं है, सबके खून पी लिए हैं तब दवा बनी है। हमारे सांपों के जहर निकाले जाते हैं, सांपों की कोथड़ी, बिच्छू का जहर निकाला जाता है, उन सबसे दवा बनती है। जरूरत पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर आप सब कुछ ले सकते हैं, धर्म यही कहता है। पर शरीर सह रहा हो, लड़ रहा हो, तो उसे लड़ने के लिए तैयार करो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। दो शरीर हैं, एक शरीर ऐसा है जो आहार और व्यायाम से तंदुरुस्त रहता है, वो है मांस मज्जा हड्डी का शरीर। एक शरीर अंदर होता है जिसमें अंदर भी मसल्स होते हैं, उसको अच्छा रखने के लिए, बलवान रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान करो। फेफड़ों को बलवान करने के लिए प्राणायाम, श्वास नलका को बलवान करने के लिए प्राणायाम, अन्न नलका को तकलीफ ना हो, ताकतवर बनी रहे प्राणायाम, अन्न नलका में कैंसर ना हो जाए, श्वास नलका में कैंसर ना हो जाए प्राणायाम, ब्रेन में ट्यूमर ना हो जाए अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो करता है उसको कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा।
लंबा श्वास लो, जितनी देर में ले रहे हो उतनी देर रोको और उतनी ही देर में छोड़ो। साइकिल बना लो अच्छी से। अगर आप 10 सेकंड में ले रहे हैं तो 10 सेकंड रोको और 10 सेकंड में छोड़ दो। धीरे धीरे आपके ब्रेन के अंदर जो भी गर्दा भरा है, गंदगी भरी है, वो सब बाहर लीवर में आ जाएगी। लीवर उसे फेंक करके किडनी में डाल देगा, किडनी उसे फिल्टर करके रिसाइकलिंग करके फिर ब्रेन में पहुंचा देगी और एकदम काम ठीक चलता रहेगा। ब्रेन में जो रक्त है वो कब से गया है, वापस आ ही नहीं रहा, किडनी में वहीं जाम हो गया है। और उसी जाम होने को हम कहते हैं ट्यूमर होना, ब्रेन का कैंसर होना। बस वो वहां जमा रहता है। और आप सब जानते हैं कि पानी कहीं रुक जाए और जमा हो जाए, सूखने के बाद उस धरती का हाल क्या होता है, वो धरती वहां दरारें पड़ जाती हैं, धरती में फट जाती है धरती, धरती का रूप रंग बदल जाता है, वही ट्यूमर है। रुके हुए पानी में हजारों प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। इसीलिए केवल कथा सुन के पुण्य कमाने से काम नहीं चलेगा, शरीर को पुण्य भोगने के लिए जिंदा और स्वस्थ रखने से काम चलेगा। जो तुमने कमाया पुण्य है उसे भोगने के लिए शरीर सुखी और समृद्ध और स्वस्थ रहना चाहिए। हैं? जब कोई आपको देखे तब तक आप नए लगें। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं 5-4 साल में, 2 साल में, तो ये तो टोक देते, मुझे टोक देते, गुरुजी वजन कम कर लिया, वजन कम हो गया। पर उनको दूसरा पक्ष नहीं दिख रहा है। कौन सा पक्ष नहीं दिख रहा? कि काम करने की क्षमता बढ़ गई, सहने की क्षमता बढ़ गई। सहना भी बहुत है और काम भी बहुत है, बहुत सहना है और काम भी बहुत है। ऐसा ऐसा सहना पड़ता है कि जिसे सहन कोई कर नहीं सकता है। क्यों? सहन शक्ति का नाम ही तप है। अग्नि के पास में जाकर ऐसे हाथ ऊपर करके भजन करने लग जाओ, यह तपस्या पाखंड का प्रकार है। पैर लंबा करके भजन करो, ये भी पाखंड का ही प्रकार है तप के रूप में। तप का अर्थ ही सहनशीलता है। अगर कोई तपस्वी है तो कैसे परखें, कैसे कर, कौन सा मीटर लगाएं? वही मीटर है कि उसे उकसाने का कोशिश करो, भड़काने की कोशिश करो, चिढ़ाने की कोशिश करो। वो चिढ़े नहीं, भड़के नहीं, समझ लो ये महातपस्वी है, ये गहरे सागर में डूबा हुआ है। नहीं तो महाराज एक भी शब्द आपके खिलाफ हो तो नाक पे गुस्सा आ जावे, फड़फड़ा के टूट के पड़े, क्योंकि तप है ही नहीं, साधना है नहीं, तो सधेगा कैसे, शीलता आएगी कैसे? है अच्छा बोलिए, सूर्य का प्रभाव सागर के ऊपर पड़ता है पर सूरज के प्रभाव से सागर का पानी गर्म नहीं होता है, और तालाब का पानी, गांव में जो पोखरे होते हैं उनका पानी उबलने लग जाता है सूरज के प्रभाव से, तपता है, काई पैदा हो जाती है जल जल के पानी को मैल की। सूर्य के प्रभाव से सागर का पानी केवल गर्म नहीं होता, क्यों? सागर गहरा पानी लेकर बैठा है। आपने भजन ध्यान तप ज्ञान वैराग्य और विवेक को धारण किया है तो आप उत्तेजक नहीं होते, किसी की बात को लेके रिएक्शन नहीं, गंभीरता से बात को पकड़ के बैठ जाओ, अंदर ले जाओ। और शास्त्र कहता है समय आने का इंतजार करो, समय आने पर जब आप उसी बात का बदला लेंगे तो आप परफेक्ट निशाने पे लगेंगे, सामने वाला खत्म हो जाएगा एक ही प्रहार में, बार बार नहीं प्रहार करना पड़ेगा। इसीलिए कहावत है, क्या कहावत है कि 100 चोट सुनहार की और 1 चोट लोहार की, लोहार की।
एक में काम खत्म। हर बात का जवाब देते देते कितना एनर्जी जाएगी, कितनी बातें पैदा होती हैं, बातों में बात, बातों में बात, बातों में बात। वो तो आप सब करते हो, मैं भी व्यासपीठ पर बैठकर बात से बात ही निकालकर बातों को बढ़ा रहा हूं। पार्वती माता को पुनः भगवान शंकर आए, टटोला, खोजा, हाथ जोड़े, पैर पड़े, अरे देवी 5000 वर्ष पैदा हो गए, कब करोगी गृहस्थ, कब पुत्र को जन्म दोगी और कब राष्ट्र का उद्धार होगा, अब समय आ गया है देवी, ये सत्कर्म कर लो, सत्कर्म कर लो। पार्वती ध्यान में ही है महाराज। तो शंकर भगवान ने सोचा कि तुम ध्यान में ही रहो तो हम तुम्हारे पीछे क्यों बर्बाद हों, हमारी शक्ति पहले ही खत्म होगी तुम्हारे चक्कर में। अब तो शंकर भगवान अपनी गई हुई साधना को ढूंढने के लिए निकल पड़े। शंकर भगवान के शरीर से जो तेज चला गया था 5 वर्ष पूर्व, आज भगवान उस तेज को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे जहां कृतकियां बालक को पालने में झुला रही थी। बालक 5 वर्ष का हो गया है। शंकर भगवान ने बालक को पहचान लिया। कौन नहीं पहचानेगा, आपका कान का कुंडल खो जाए, चाहे वो 2 साल 1 साल के बाद मिले जिठानी के कान में, देवरानी के कान में, आप झट से पहचान लेंगे, देख लो मिल गया यही है। अब जिठानी ये कहेगी कि क्या तेरी जैसी बनावट का और कुंडल नहीं दुनिया में, एक जैसी बनावट के दूसरे कुंडल कितने भी बनवा लो सुनहार से, पर एक बार जो कान में आया वो वही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। शंकर भगवान ने भी अपने बालक को पहचान लिया। ये बालक भी पाइप में पैदा हुआ है शंकर का, ये ध्यान कर लो। टेस्ट बेबी जिसे कहते हैं, वो पाइप जहन्नुम में जो पाइप है उसका नाम है सरकंडा, पोला बांस, उसमें पैदा कर दिया बालक शंकर भगवान के विज्ञान ने, शंकर भगवान की योग्यता ने। और ये सब कुछ संभव है बंधुओं, जब तक ये प्रयोग हो नहीं रहे तब तक ही ये अंधेरे में पड़े हैं। रबर के पाइप में बच्चा पैदा हो रहा है मानव का, वही बेबी टॉप बेबी है, वही लीवर बेबी है। शंकर भगवान ने कृतकियों को देखा, रुक गए, बालक को निहारने लगे और शंकर ने कहा, देवियों यहां ये तुम्हारे पास ये बालक कैसे आया, ये मेरा बालक। कृतकियां रोने लगी, डर गई महात्मा के तेज को देखकर, कुछ कह नहीं पा रही क्योंकि बालक उनका था नहीं, वो तो उठा के ही लाई थी। और अगर हम ऐसे ही उठा के किसी का बैग पर्स ले आवे और सामने से वही आ रहा हो जिसका पर्स है और वो कह ले ये कहां ले जा रहा हो, ये मेरा पर्स है, तो आदमी आधा हो जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है, जवाब नहीं निकलता है। ऐसे कृतकियों के मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है महाराज। कृतकियों ने उल्टा पुल्टा बोलना शुरू किया, पकड़ में आ गई उनकी बात, हाथ जोड़ के रोने लगी, अरे महादेव, हे भोलेनाथ, इस बालक से हमारी ममता हो गई है क्योंकि हमने इसे पाला पोसा है। ये बालक हमें सरकंडे पर मिला है, बांस की लकड़ी पर पड़ा हुआ, कोई नहीं इसका, इसलिए हम ले आई। शंकर ने कहा यह मेरे तेज से पैदा हुआ है देवियों। अब आप इस कथा को इस तरह भी समझ लें, जिसका कोई नहीं होता उसका एक हो गया। दूसरा और समझ लें, हर बालक को जन्म देने वाला ही परमात्मा है। माता पिता हम और तुम तो खाली डिब्बा हैं, निमित्त हैं, सब परमात्मा ही सबको पैदा कर रहा है। इसलिए हर बालक के ऊपर प्रभु का हक है, वो जिसको चाहे जब चाहे उठा सकता है। आज कृतकियों से बालक को भगवान शंकर ने उठा लिया तो कृतकियां तड़पने लगी, रोने लगी, मोह हो गया था बालक से, ए महादेव आपका बालक आप ले जाओ, पर हमने 5 साल जो सेवा की है उसके लिए कोई निशानी, कोई चिन्ह हमें भी प्राप्त हो जाए, जिससे हमारे बारे में भी दुनिया जाने के हमारे अंदर भी ममता है। तब भगवान शंकर ने कहा, अरे कृतकियों, आज से मैं तुम्हारी सेवा का बदला तुम्हें देता हूं यश और कीर्ति के रूप में।
आज से मैं अपने बच्चे का नामकरण कार्तिकेय के रूप में करता हूं। ये स्कंद भगवान का अवतार लेकर आए हैं, ये कार्तिकेय के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि तुम कृतकियों ने उन्हें कार्तिक मास में भी पैदा हुए थे। भगवान कार्तिकेय, भगवान विष्णु का महीना है कार्तिक महीना। नारायण भगवान विष्णु कार्तिक मास में पैदा होने से भी भगवान का कार्तिकीय नाम रखा, और कृतकियों ने पाला पोसा तो शंकर ने उसका नाम इसीलिए भी कार्तिकीय रखा। लेकर भगवान शंकर बालक को कैलाश पर पधारे और देखो होनी कैसी रहती है, होनी विधि का विधान कैसा रहता है। शंकर भगवान के घर में भी शंकर जैसे बालक को लेके घर पहुंचे तो खुशी होनी चाहिए, घर में लड्डू बटने चाहिए। वहां तो मरने मारने पे बात आ गई, जब से पार्वती जगा जगा के जग नहीं रही थी ध्यान से, आज पार्वती जग कर नहा धोकर काजर बेंदी लगा कर रेडी बैठी है लड़ने। कमाल हो गया महाराज, जैसे ही महादेव कार्तिकेय जी को लेकर कैलाश में पहुंचे, पार्वती माता की नजर पड़ी कैलाश पति शंकर पर, देखा शंकर की हाथ में उंगली पकड़ के बालक चल रहा है। पार्वती क्रोध में आ गई, शंकर भगवान के ऊपर नेत्र लाल कर लिए, और ये सच बताओ कहां से लाए हो, किसका बालक है, मुझे ध्यान में डाल दिया, मुझे राम में लगा दिया, और खुद ये धंधा करते घूम रहे हो, कहां कहां पैदा किए, सब लाओ मुझे बताओ, आग लगा दूंगी, जला के राख कर दूंगी, घर को भस्म कर। सारे पार्वती एकदम गर्मा गर्म। भगवान शंकर ने कहा बात बढ़े उससे अच्छा है कि सब कह रहा लो सच सच। शंकर भगवान ने कहा देवी सच ये है कि ये मेरा ही बेटा। अरे र र र र र र, अब तो भैया कहना क्या, तब तो डाउट ही था, अब तो शंकर ने और घी डाल दिया अग्नि में, मेरा बेटा कहा तो। और पार्वती क्रोध में कहा ये तुम्हारा बेटा था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया, कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, ये कैसे हुआ, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तब शंकर भगवान ने कहा देवी मैंने तुम्हें हजार बार जगाने का प्रयत्न किया पुत्र उत्पत्ति के लिए, पर तुम प्रभु के ध्यान में इतनी मगन थी कि तुम्हारे तेज और ओज के प्रभाव से ही मेरे शरीर में काम पैदा हो गया, और उसकी वजह से मेरा शरीर दोषी हो गया, और उसका परिणाम है कि यह बालक लकड़ी पर ही पैदा हो गया है। आज इस बालक को मां की जरूरत है, तुम इसकी मां हो, क्योंकि तुम जगत माता हो तो इसकी भी माता हो। आज से यह बालक तुम्हारे पास रहेगा और तुम ही इसकी गुरु बनकर इसे आज्ञा दो, उपदेश करो, ज्ञान दो। पार्वती माता का क्रोध शांत होकर के बालक को पास में लेकर गोद में लेकर महल में चली गई। शंकर भगवान कैलाश पर चले गए। पार्वती जी गर्मी का बेग था, पार्वती जी को मन हुआ कि आज तो कैलाश सरोवर में स्नान करना चाहिए, तो पार्वती कैलाश सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही हैं और पुत्र कार्तिकेय को कह रही हैं, हे पुत्र दरवाजे पर खड़े हो जाओ, कोई अंदर पुरुष न आ सके, और मेरी आज्ञा के बगैर घर का भी सदस्य प्रवेश न करे। मैं स्नान कर रही हूं सरोवर में, मुझे कोई पुरुष के नेत्र ना देख ले नहाते हुए। बड़ा पर्दा था पहले महिलाओं के स्नान में, और होना भी चाहिए, पुरुष और महिला के शरीर में जो अंतर है बनावट का, उस अंतर की मर्यादाओं का पालन अगर होता है तो समाज में पोषण तत्व बढ़ते हैं, अगर उन मर्यादाओं का पालन नहीं होता है, स्त्री पुरुष के शरीर को समानता देखी समानता दी जाती है तो समाज में पोषण की जगह कुपोषण पैदा हो जाता है और समाज पूरा लहू लुहान हो जाता है। आज वो स्थिति आ गई है देश भारत की, जहां पर मरते 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 पति मर जाते थे पर अपनी पत्नी को कभी नहाते हुए नहीं देखा होगा उन्होंने, ऐसा देश है भारत।
स्वयं पतियों ने अपनी पत्नियों को कभी नहाते नहीं देखा होगा, ऐसे देश में हम पैदा हुए महाराज। और ज्यादा दिन नहीं, 30-40 साल पहले का ही इतिहास है ऐसा। पति भी घर में आ नहीं सकते थे जब माताएं नहाती धोती थी महाराज। माताएं जहां सो रही होती थी वहां कोई पुरुष घर का भी अपने मन मर्जी से आ नहीं सकता था। ऐसी संस्कृति हिंदुस्तान की है, राम के देश की है, कृष्ण के देश की है, पर अंग्रेजी खा गई सबको, भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया सबको। अब घर में ही नंगा किसी को नहीं देखना है, अब तो सेंटर खुले हैं नंगे होने के, वाटर पार्क, वाटर पार्क, वाटर पार्क। बोलो, आज तक हमने पार्क देखे, पेड़ पौधे देखे, घास देखी, फूल, बताओ पानी के तालाब को भी पार्क कह रहे? वैसे तो हमने कभी पार्क देखा नहीं है, फोटो में ही देखा है रोड़ों से, पर टेलीविजन में जरूर दिख जावे पार्क, टीवी में आता रहता है, लोग ऐड करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं महाराज, है साबुन का, शैम्पू का ऐड करने वाले, बनियान का, छोटे अंडरवियर का ऐड करने वाले, भाई रब भाई क्या बात है। पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है, उससे चाहे समाज में कितना भी संदेश खराब जाए, उनको क्या लेना देना, पैसा हाथ लग गया बस काम खत्म हो गया। आप सब रोकने का प्रयत्न करो, आप सब हाथ जोड़ के कभी वाटर पार्क में नहीं जाना नहाने के लिए, नहीं तो आबरू इज्जत सब तुम्हारी समाप्त समझो। अरे महाराज, हमें आबरू फाबरू की कहां, हम तो नहा के आ भी गए, तुम आज ना बोल रहे हो, है पहले ना बोलते तो हम नहीं जाते, हम तो नहाया है, है हम तो गए थे सूरत में अपने वहां, है देख तो लूं कौन कौन नहाया है। महिलाएं गंगा नहाती हैं, रोज नहा रही हैं सरयू में, पर महिला वहां पर भी संकोच बस वस्त्रों में ही नहा के डुबकी लगाती हैं। मर्यादा हर चीज की उत्तम और आगे सही शुद्ध आनंदित जीवन रखने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। पार्वती माता ने जब सच जान लिया तो शांत होकर के स्नान करने लगी सरोवर में, और सरोवर में स्नान कर रही थी तब अकेली नहा रही थी, और इस तरह स्नान कर रही होंगी जिसके लिए सुरक्षा जरूरी है। कार्तिकेय सुरक्षा में खड़े हैं, महादेव का आगमन हुआ, कार्तिकेय ने प्रणाम करके पिताश्री को घर में जाने से नहीं रोका। शंकर भगवान ने पार्वती को सरोवर में इस तरह नहाते देखा तो पार्वती पानी पानी हो गई शर्म के मारे, लाज के मारे, और वो पानी में अंदर के अंदर ठहर गई, बाहर नहीं आ रही अंगों को लेकर, और नाराज हो गई मन ही मन कार्तिकेय के ऊपर, और उन्होंने शिवजी से भी लड़ाई कर डाली। इस तरह कहीं देखते ही स्त्री को, तुमने इस तरह क्यों देखा, क्यों प्रवेश हुए, और तुम्हारे पुत्र कार्तिकेय ने तुम्हें आने कैसे दिया, अगर मैं उसकी माँ हूं तो उसने मेरे वचन का पालन क्यों नहीं किया, मैं नहीं मानती कि वो मेरा पुत्र है, वो तुम्हारा है, क्योंकि वो तुम्हारी बात मानता है, मेरी बात नहीं मानता है। शंकर भगवान ने क्षमा याचना भी मांगी, पर माता पार्वती ने निश्चय कर लिया कि आज के बाद कभी भी मैं कार्तिकेय पर विश्वास नहीं करूंगी, ये तो शिव का गुलाम है, ये तो पिता की आज्ञा का पालन करता है, मेरी आज्ञा का पालन ये बालक नहीं करता। इसीलिए माता पार्वती ने निश्चय कर लिया, समय आने पर मैं स्वयं का एक पुत्र पैदा करूंगी जो मेरा होगा, सिर्फ मेरा। जगत माता है, शंकर भगवान के तेज से स्वयं बालक पैदा हो गया बिना स्त्री के, ऐसे ही माता भवानी को भी अधिकार है कि वो भी बिना पुरुष के सहयोग के पुत्र पैदा कर सकती है, क्योंकि वो महादेवी है, महाशक्ति है, उनको वो अधिकार है।
इसीलिए हम सब लोग वैष्णो माता के चरणों में जाते हैं, पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, बालक दे दो, क्योंकि वो दे देती, उनके पास में शक्ति है, पावर है। वो भगवान है, वो निर्माण कर भी सकते हैं। माता पार्वती ने भगवान के स्वरूप में अपने शरीर से गणेश जी को अवतरित किया। गणेश को पैदा करके संपूर्ण गुरु ज्ञान माने दिया। पार्वती माता ने गणेश को संपूर्ण गुरु ज्ञान दिया और कहा, पुत्र देवों में अग्रगण्य तुम बनोगे अगर मेरी आज्ञा का पालन करोगे। जाओ, ये छड़ी लेकर के खड़े हो जाओ दरवाजे पर, मैं स्नान करना चाहती हूं, मन मर्जी स्नान जो मेरा हुआ नहीं था। आज गणेश जी दरवाजे पर खड़े हो गए, जो माता गौरा ने पैदा किए, गौरी गणेश। पार्वती निश्चिंत हो गई। अब जब पार्वती निश्चिंत हो गई तो पार्वती तो फिर और अपनी आजादी में स्नान कर रही होंगी। अचानक आज गणों के साथ शंकर का फिर आगमन हुआ। शंकर भगवान ने देखा बालक बहुत सुंदर खड़ा है दरवाजे पर, और पहले कभी नहीं देखा, ये कौन बालक है। नंदी से कहा, जाओ बच्चे से मिलो, प्यार करो और पूछो कहां से आया है, कौन है, कैलाश में कैसे पहुंचा। तो अधरान कृतं जातां अदर धीरं च बालकः अनन्यान देश प्रांताभ्यां अनर्गम्यं तथा स्थिते अधार मूलं तदव्याद कैलास तापते बालरूपः। हे बालक, कौन से देश और कौन से प्रांत से कैलाश में पधारे हो और तुम्हारा ये प्रतिरूप इतना सुंदर है, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो बालक ने कहा, हम क्यों बताएं तुम्हारा नाम, हमारा नाम हमने पूछा तुमसे, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है हमारे नाम गाम की। अगर मेरा नाम गाम पूछ रहे हो तो मैं भी तुम्हें पूछ रहा हूं, तुम बताओ तुम कौन हो, कहां से आए, और तुम्हारा रूप बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम्हारा नाम भी अच्छा नहीं होगा है। गणेश ने कहा कि तुम्हारा रूप भी अच्छा नहीं है तो तुम्हारा नाम भी अच्छा, बताओ। तो नंदी ने कहा, मैं कैलाश से आया हूं, शंकर भगवान का गण हूं और मेरा नाम नंदी है। तो गणेश जी ने कहा, अब हम बताते हैं, सुनो, हमारा नाम गणेश है और हम गौरी के पेट से पैदा हुए हैं, गौरी हमारी माँ है, पार्वती मेरी माँ है, और ये हमारी माँ का घर है और मैं उनकी सुरक्षा में खड़ा हूं। नंदी हंस पड़े जोर से, क्योंकि एक नाम की कई माताएं होती हैं दुनिया में। तो गौरी को नाम सुना, पार्वती का नाम सुना, तो नंदी ने कहा, हंस करके कहा, अच्छा अच्छा गौरी के बेटा हो, पार्वती के लाला हो, अच्छा अच्छा, अच्छा रास्ता छोड़ो बेटा, इधर आ जाओ, चॉकलेट खा लो, इधर हट जाओ, नंदी बाबा हटा रहे हैं। गणेश भगवान कह रहे हैं कि हम नहीं, तुम हटो यहां से, यहां हमारी माँ के अलावा किसी का भी अधिकार नहीं है। घर की जो देहरी होती है उसकी बड़ी महिमा है। आज नई बात बता रहा हूं मैं, आज पहली बार, आज तक मेरी व्याख्या में वो बात नहीं आई है, अनमोल बात मैं आज बताने जा रहा हूं देहरी को लेकर। श्रीमद् भागवत कथा में आपने नरसिंह भगवान की कथा सुनी है, हिरणाक्ष को मारने के लिए नरसिंह भगवान ने जो लीला की,
उसमें हिरणाक्ष ने ये ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि मैं घर के बाहर या घर के अंदर नहीं मरना चाहिए। तब भगवान नरसिंह ने हिरणाक्ष को घर की देहरी में मारा, न अंदर न बाहर। तब से ही भगवान नरसिंह का अवतार देहरी पर माना गया है। खंभ के बाद वहां टिक करके वहीं पर प्रहलाद को लेकर बैठे थे भगवान, इसीलिए देहरी में किसी को बैठने पर पाप लगता है। महिला को, पुरुष को देहरी में नहीं बैठना है, क्योंकि वहां पर नरसिंह भगवान का प्राकट्य माना गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को देहरी में मारा, इसी के लिए घर की देहरी के अंदर गृहिणी का अधिकार और घर की देहरी के बाहर पुरुष का अधिकार है। इसीलिए हम सबको घर की देहरी पर कभी पसर के नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, कुछ महिलाएं गप मारने के लिए घर के दरवाजे पर ही आके बैठे देहरी पर, कुछ महिलाओं की तो मटर वहीं छिले देहरी पे। परात में 5 किलो चावल धर लेंगी, उनको भी वहीं सफा करें, बाहर का नजारा भी देखती रहती हैं, और पड़ोस में जो रहती है कलावती उसको भी बुला लेती हैं, और पूरे मोहल्ले की चुगलियों का अखबार बनाती रहती हैं देहरी पर बैठे बैठे। पूरे मोहल्ले की अखबार है। अरे ताई, कलावती कह रही है चावल बीनने वाली से, जिंदगी भर ये चावल ही बीनती रहोगी? कुछ समझ में आ रहा है? चावलों में ध्यान लग रहा है? कहा चल रहो गांव में, कहा चल रहो है? अरे बहन, मैं कहां जा पाती? मेरे तो छोटे छोटे बच्चों के बच्चे हैं, बड़ी बहू की छोटी छोरी है, बड़े छोरा को छोटो सा छोरा है, मैं तो उन्हीं में लगी रहूं। और तू तो फ्री हो गई है, तेरे तो पोते भी बड़े हो गए, इसलिए पूरे गांव में पत्रकारों की तरह घूमती रहती है, सबसे लेती रहती है रिपोर्ट। तो हाँ, मैं रिपोर्ट लाई हूं तेरे लिए, ले पढ़ ले अखबार। क्या हुआ? उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, वो ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया। सुनिए एक और बात, कान खोल के सुन लो। देहरी में रोज दीपक लगाओ, क्योंकि भगवान विष्णु का स्थान है देहरी, घर की देहरी। घर की देहरी में दीपक लगाने से जैसे नरसिंह भगवान ने उस राक्षस को मार दिया, वैसे ही अग्नि भगवान दीपक में आकर विष्णु भगवान सारे के सारे घर के कलेशों को, अंधकार को मिटाते हैं। इसीलिए देहरी पर घी का दीपक जरूर लगाओ। महाराज, आप तो टोटका नहीं बताते, पर आज टोटका क्यों बता रहे हैं? ये टोटका नहीं है, दिया जलाना टोटका नहीं है। रामायण में दीये को ज्ञान का प्रतीक बताया है, प्रकाश का प्रतीक बताया है, पॉल्यूशन और प्रदूषण को हजम करने का मशीन बताया है। इसीलिए देसी गाय का घृत लेकर के कच्चे दिवले, मिट्टी के दिवले में दिया दीपक जलाओ। सूर्य अस्त होने से पूर्व दिया तैयार करो। सूर्य अस्त हो तो पहले दीपक लगाओ, स्वास्तिक बनाओ, और उसके बाद लाइट फाइट जलाओ। दिया से पहले बल्ब नहीं घर में जलाना चाहिए। बनावटी लाइट, आर्टिफिशियल लाइट जो ऊर्जा है उसको तब जलाओ पहले दिया बाती हो जाए। आपके घर में ऐसा होता नहीं है? आपके घर में बल्ब बल्ब पहले जलते हैं, फिर आप पूजा पाठ करते हैं? पहले आप दिया बाती करो, फिर बल्ब जलाओ। और सुबह भी पूजा करते समय ध्यान रखो, जब दिया जलाने का टाइम आ जाए, आरती का टाइम आवे घर में, तब घर का बल्ब बंद होने का टाइम होना, यानी कि सूर्य का आगमन होने पर बल्ब बंद होना है, तब ही दिया जलाकर प्रभु सेवा करनी है, मंदिर में पूजा करनी है। ये टाइम यज्ञ का और पूजा का बिल्कुल सही टाइम है, फिक्स टाइम है, उत्तम समय है। हजार बात पूछते हैं लोग, आज बिना पूछे ही सवाल हमने खड़े कर दिए जवाब के रूप में। बहुत लोग पूछेंगे सवाल, आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलेगा थोड़ा देर तक। जो लोग घर बैठकर के कथा सुन रहे हैं वो भी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएं। टीवी पर नहीं रहेगा तो मोबाइल पर, यूट्यूब पर आ जाना।
और आपके भी घर से सवाल भेजना मोबाइल पर, आपके भी प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। आज भगवान गौणी गणेश ने रोक दिया, शंकर भगवान आए। शंकर भगवान ने भी बालक को प्रेम दिया, दुलार दिया और समझाया कौन है भाई तू। तो कहा गौरी गणेश, पार्वती नंदन, शंकर भगवान ने हंसते हुए कहा रे बालक, गौरी तो आज तक पुत्र पैदा करने का नियोजन सोच भी नहीं पाई, तू कैसे पैदा हो सकता है। शंकर भगवान भूल गए कि अगर मैं अकेला कर सकता हूं तो पार्वती भी कर सकती हैं। कभी कभी आदमी को अपने ही शक्तियों में दूसरों की शक्ति खत्म नजर आती है। आज शंकर को अपनी महिमा के सामने पार्वती का कोई महिमा नहीं दिख रही है। परिणाम सामने आया, बालक डट गया, दरवाजा नहीं छोड़ता बालक। शंकर को लगा अपमान कर रहा है बालक। अरे बालक, बाहर से तो बड़ा सुंदर है पर अंदर से बड़ा धूर्त है। युद्ध हो गया। 7 वर्ष के बालक के साथ शंकर भगवान का घमासान युद्ध हुआ, पर युद्ध में लगा शंकर भगवान को यह बालक पटके ले रहा है मुझे। तब शंकर ने त्रिशूल चला दिया और बालक की गर्दन काट दी। बालक की गर्दन कटी तो आवाज निकली, मां। पार्वती दौड़ी, दरवाजे पर देखा तो धड़ कहीं और गर्दन कहीं। गणों के साथ शंकर भगवान वहीं खड़े थे। पार्वती बाहर आई तो चीखने लगी, रोने लगी और बिल्लाप करते कहने लगी, महादेव तुम्हारे होते हुए तुम तो महाकाल हो, मेरे पुत्र को काल कैसे आ सकता है? पिता होकर तुमने मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की। अब तो शंकर अंदर ही अंदर परेशान हो गए, क्या करूं, क्या जवाब दूं? मैंने मारा है, ये पता चल गया तो पार्वती जला के भस्म कर दे। औरत कमजोर मानकर हम लोग बैठे हैं, पर औरत शक्ति स्वरूपा है, काली का स्वरूप है, चंडी चंडका का स्वरूप है। केवल वो वैष्णो देवी नहीं है, दया धर्म ही नहीं, हिंसा भी उसमें बहुत है। पार्वती हिंसक हो गई, उतर पड़ी मारने के लिए। 3 लोक 14 भवन में कहीं भी होगा इसका हत्यारा मैं नहीं छोड़ूंगी। शंकर जानते थे पार्वती जो कहेगी वो पूरा कर देगी, इसलिए संकार अपराध हो गया, गलत हो गया, घर में हो गया, क्या करना, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही। तो शंकर सीधे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु बहुत चतुर है इन चीजों में। ब्रह्मा जी के पास में विष्णु भगवान ने शंकर को भेजा, जाओ। केवल चतुरता नहीं, सरल स्वभाव का भी कोई महात्मा चाहिए ऐसी झगड़े में। चालाकी से काम केवल नहीं चलेगा, एक विद्वान चतुर्भुज लाओ। ब्रह्मा जी को बुलाया गया, ब्रह्मा विष्णु दोनों पहुंचे कैलाश में। माता पार्वती को शंकर भगवान तो चुप रहे, पार्वती को समझाने के लिए ब्रह्मा काम करने लगे, वेदों के मंत्र बोल बोल कर उदाहरण देने लगे, समझाने लगे, जो आया है वो जाएगा राजा रंक फकीर। पर पार्वती कहां मानने वाली थी इन चोटकाओं से, इन बातों से। वो जानती है कि मेरा आया है जाने वालों में से मेरा वाला नहीं है। ये तो जो भोग और विलास के गर्भ के जो बालक हैं वो आएंगे जाएंगे राजा रंग फकीर, मेरा तो अमैथुन का है, मैंने तो मैथुन नहीं किया, मेरा तो अजन्मा बालक है, मेरा तो प्राकट्य बालक है। भगवान विष्णु ने अपनी यंत्रणा से समझाया पार्वती को, चालाकी, क्या चालाकी, अगर तुम्हारे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया जाए तो क्रोध शांत हो जाए। पार्वती ने कहा, मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो मैं क्यों क्रोध करूंगी, मैं क्यों हिंसा करूंगी, मैं किसी को क्यों मारूंगी, मेरे पुत्र को हे नारायण आप जीवित कर दो। तो शंकर भगवान को बगल में ले गए विष्णु भगवान, कहो महादेव तुम्हारे पास में कोई युक्ति है बालक जिंदा हो जाए? तब महादेव कहने लगे, हां हो युक्ति, जिंदा हो सकता है। कैसे? कि किसी दूसरे गर्दन लाई जाए, फिर मैं इस गर्दन को जोड़ दूंगा। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि गर्दन जुड़ सकती है, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार भी हुआ था है ग्रीव का, तब भी भगवान विष्णु की गर्दन कटी थी लक्ष्मी के श्राप से, तब जोड़ दी गई थी, वही है ग्रीव अवतार कहलाया।
भगवान को लगा कि हो सकता है। तो आप कथा जानते हैं कि हाथी के बच्चे का धड़ ला करके जोड़ा गया, बालक जीवित हो गया, पर बालक का स्वरूप पशु तुल्य हो गया, जानवर जैसा हो गया, शरीर नीचे से मानव जैसा और चेहरा पशु जैसा हो गया, जानवर जैसा हाथी जैसा लगने लगा। पार्वती ने जब यह स्वरूप देखा तो कहा, नहीं महादेव, नहीं विष्णु, नहीं ब्रह्मा, ये स्वरूप ऐसा है, ऐसे स्वरूप को जन्म देकर कौन महतारी, कौन माँ यशकों को पाएगी, कौन अपने गर्भ को धन्य धन खुशी मनाएगी, मेरा तो गर्भ खंडित हो जाए, मेरा तो मान ही प्रतिष्ठा गिर जाएगी, ऐसे कुरु बालक को देखकर इसे दुनिया में कोई नहीं पूजेगा, कोई नहीं पूछेगा। तब भगवान विष्णु आदि शंकर आदि ने मिलकर के योजना बनाई कि सौंदर्य को छोड़ दो, हम इसे क्यों अग्र पूजक बना दे, महिमा मंडित कर दे। तब सब देवताओं ने मिलकर के श्री गणेश जी को सारे स्वर्ग के देवताओं का अध्यक्ष बना दिया, मुखिया बना दिया, गण अग्र कर दिया और कहा, दुनिया में जहां भी देवताओं की पूजा होगी पहले गणेश स्थापना होगी, ये अध्यक्ष हैं गणेशों के, आज से ब्रह्मा विष्णु महेश राम श्याम शिव सबकी पूजा के अग्रगण्य होंगे भगवान श्री गणेश। तो माता पार्वती प्रसन्न होकर कहने लगी, देवो जब मेरा पुत्र सब गणों का अध्यक्ष बन गया तो सारे जगत में मेरे पुत्र की अग्र पूजा होगी, कैसे मानूं। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबसे पहले गणेश की पूजा की, सब देवताओं ने पूजा की, लड्डुओं का भोग लगा, संतों ने आरती उतारी और ध्रुवा घास की माला गले में डालकर ध्रुवा का भोग लगा करके अमृत अमृत अपाशान कराया, यज्ञोपवीत शंकर धारण करा दिया और सिंदूर का तिलक लगा करके हाथ में गदा पकड़ा करके चक्र पकड़ा करके त्रिशूल पकड़ा खड़क पड़का कर पकड़ा करके सबने गणेश को चक्रधारी बलवान योद्धा बना दिया, सब पूजने लगे। गौरी माता प्रसन्न हो गई और सबके संकट हरने वाला गणेश गजानन के रूप में प्रकट हो गया। बोली, गजानन भगवान की जय हो। आ जाओ आ जाओ गौरी लाला हमारे घर, आ जाओ पर भी
की जय हो। शिव महापुराण की